सन 1921 भूमध्य सागर की अथाह गहराइयों में एक समुद्री जहाज इंग्लैंड से हिंदुस्तान आ रहा था। मनोहारी दृश्यों से उत्प्रोत जल की कलाबाजियों पर थिरकता दूर दूर तक सिर्फ पानी का नीलापन अपनी छाती फुलाए नीले आसमान को चुनौती दे रहा था। जहाज के यात्री अपनी दिनचर्या में मसरूफ थे, पर पगड़ी पहने एक सांवला सा हिंदुस्तानी युवक समुद्र की गहराइयों में खोया हुआ मानो समुद्र से संवाद कर रहा था। अचानक उस युवक के मन में न जाने क्या आया कि वो एक बोतल और एक प्रिज्म के साथ कुछ प्रयोग करने लगा। कौन था ये युवक और क्या करने की कोशिश कर रहा था? ये और कोई नहीं, हमारे सीवी रमन थे, जो इंग्लैंड से वापस हिंदुस्तान आ रहे थे। लंदन की याद अभी भी उनके मन में ताजा थी, और क्यों ना हो। इंग्लैंड के मशहूर वैज्ञानिक जे जे थॉमसन और रदरफोर्ड से मिलकर जो आ रहे थे, इन दोनों ने कुछ साल पहले पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु के कणों की खोज कर विज्ञान जगत में क्रांति मचा दी थी। उस समय तक रमन हिंदुस्तानी वाद्य यंत्रों की ध्वनियों पर शोध कर रहे थे। इन्हीं ख्यालों में डूबे वे जहाज के डेक पर खड़े थे कि अचानक उनके मन में एक सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों है। उनके मन में एक विचार आया कि अगर किसी तरह आसमान के प्रतिबिंब को रोक दिया जाए तो। तभी उनका ध्यान इंग्लैंड के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन विलियम रैले की बात पर गया। रैले का मानना था कि समुद्र के नीले होने की वजह आसमान का प्रतिबिंब है जो सीधा समुद्र पर पड़ता है। रैले उस समय तक प्रकाश के स्कैटरिंग की खोज कर काफी मशहूर हो गए थे। दरअसल रमन रैले की इसी बात को परख रहे थे। हम जिसे सूर्य का पीला प्रकाश समझते हैं वो अलग अलग तरह के सात रंगों से बना है, जिसे हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें इंद्रधनुष में देखने को मिलता है। बारिश की बौछार के बाद हवा में पानी की कुछ नन्ही नन्ही बूंदें लटकी रह जाती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से होकर गुजरता है तो अपने असली सात रंगों में पट जाता है। पानी की ये नन्ही बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। चलिए हम इसे एक प्रिज्म के सहारे भी देखते हैं। जब हम प्रकाश की एक किरण को प्रिज्म पर डालते हैं तो किरण सात रंगों में बंट जाती है, और साथ ही प्रिज्म में घुसने के बाद प्रकाश तिरछा हो गया। इसे गौर से देखिए, लाल रंग की किरण कम मुड़ी है जबकि बैंगनी रंग की किरण ज्यादा मुड़ गई है। ये हमें प्रिज्म में तो दिखाई देता है लेकिन हवा में नहीं, क्योंकि हवा को सूर्य के सफेद प्रकाश को सात रंगों में बांटने का गुण नहीं आता। अब हम आसमान के नीले रंग का मंथन करते हैं। रैले के अनुसार सूर्य के प्रकाश के हर रंग की अपनी खासियत होती है। कुछ का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य छोटा होता है तो कुछ का बड़ा। दरअसल ये प्रकाश के विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है कि वो किरण कितनी दूर तक जाएगी तथा कितना बिखरेगी। नीले रंग का वेवलेंथ कम होता है इसलिए इनका क्षेत्राव ज्यादा होता है। जिन रंगों का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है वे अमूमन अपना सीधा रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं, यानी ये किरणें ज्यादा नहीं बिखरती। जब वायुमंडल में नीले रंगों की किरणों का बिखराव ज्यादा होता है तो हमें चारों तरफ वातावरण में फैले अणुओं में नीले रंग की छाया ही दिखती है, जिसके कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नीले रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है जिस कारण ये वायुमंडल में ज्यादा फैलती है। प्रकाश के कणों को हम फोटोन के रूप में जानते हैं। रैले स्कैटरिंग में खास बात यह है कि
कि यहाँ प्रकाश के फोटोन और हवा के अणुओं के बीच किसी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। रेले स्कैटरिंग में सिर्फ एक रंग की महत्ता होती है। इसके इसी लचीलेपन के कारण विज्ञान की भाषा में इसे इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग के कारण ही हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। बाकी दुनिया से बेखबर रमन के मन में ये विचार पनपा कि जिस तरह वायुमंडल की गैसें प्रकाश का बिखराव करती हैं, क्या पानी में ऐसा नहीं हो सकता? समुद्र पर आसमान की छाया पड़ने वाली बात कचोट रही थी। जब आसमान मटमैले रंग का था, तब भी समुद्र का रंग नीला ही दिखाई दे रहा था। दूसरा ये कि प्रकाश तो हर माध्यम में चलता है, चाहे वो हवा हो या पानी। भले ही पानी में उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जैसे ही समुद्र का सफर खत्म हुआ, रमन कलकत्ता आ गए। 210 बो बाजार स्ट्रीट, कोलकाता। आज ये जगह चहल पहल से भरी हुई है, लेकिन सन 1923 में यहां एक शांत माहौल में रमन प्रकाश की किरणों के साथ प्रयोग कर रहे थे। हावड़ा के चहल पहल भरे बाजारों से सामान खरीदकर वे खुद अपने यंत्र बना रहे थे। उन्होंने एक साधारण सा टेलीस्कोप बनाया, जिसके अपर्चर यानी सुराख से सूर्य की रोशनी आ रही थी। टेलीस्कोप के दूसरे सिरे पर उन्होंने साफ पानी रख दिया, जिससे रोशनी को गुजरना था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्टर लगाए। फिल्टर इस तरह लगाए गए कि एक फिल्टर से छरी हुई रोशनी दूसरे फिल्टर से कट जाए। रोशनी की आपाती रेखा जब एक फिल्टर से गुजारी जाए और बिखरी हुई रोशनी दूसरे फिल्टर से देखी जाए, तो रोशनी की लीक नहीं दिखाई देनी चाहिए, जब तक इस प्रक्रिया से रंग में हेर फेर न हो गया हो। लेकिन देखा गया कि रोशनी की एक लीक नजर आ रही थी। उन दिनों प्रयोग की जिम्मेदारी रमन के शिष्य रामानाथन पर थी। हरी रंग की मूल प्रकाश को पानी के अंदर नीले रंग में बदलते देखकर उन्हें हैरत तो हुई, लेकिन उन्होंने उस प्रकाश को फ्लोरोसेंट समझ लिया, जिसका मतलब होता है प्रकाश एक रंग सोख लेता है और फिर वहां से दूसरा रंग निकलने लगता है। जबकि होना ये चाहिए था कि मूल प्रकाश की किरण की तरह ही बिखरा हुआ प्रकाश भी दिखता। बाद में रमन और उनके एक और अन्य शिष्य कृष्णन ने भी इस प्रयोग को दोहराया। उन्हें भी वैसे ही नतीजे बरामद हुए। रमन को लग रहा था कि हरा रंग फ्लोरोसेंट नहीं है, क्योंकि इसकी चमक काफी कम थी, यानी ये बहुत ही पोलराइज था। रमन की लेबोरेटरी उन्नत नहीं थी, शायद इसलिए ही हरे रंग की किरण पर रहस्य का पर्दा पड़ा रहा। उन्हीं दिनों अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक आर्थर होली कॉम्प्टन भी स्कैटरिंग पर काम कर रहे थे। अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि प्रकाश सिर्फ तरंग की तरह ही नहीं, बल्कि कण की तरह भी काम करता है। कॉम्प्टन स्कैटरिंग के हिसाब से जब एक्सरे की बीम किसी चीज पर पड़ती है, तो उस चीज के अणुओं से निकले ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को अपने अंदर सोख कर अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं। उधर फोटोन का भी अपना रास्ता होता है, लेकिन इस टकराव के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है और इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। कॉम्प्टन को इस खोज के लिए 1927 में नोबेल प्राइज मिला था। जब रमन को कॉम्प्टन के नोबेल प्राइज की खबर मिली थी, तो वे अखबार खरीदकर सीधे अपने प्रयोगशाला की ओर दौड़ पड़े और हांफते हुए कृष्णन से कहा कि देखो कृष्णन, अगर ऐसा एक्सरे के साथ हुआ है तो रोशनी के साथ भी हो सकता है, हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। कृष्णन उन दिनों चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म पर काम कर रहे थे, लेकिन अब रमन के कहने पर वे हरे रंग की किरण के रहस्य को सुलझाने में जुट गए। रमन को पता था कि एक्सरे और कुछ नहीं बल्कि तरंग है, तो ऐसा ही चमत्कार तरल चीजों में भी होना चाहिए। जनवरी 1928, रमन के एक और शिष्य वेंकटेश्वरन ने
ग्लिसरीन के साथ ये प्रयोग किया और पाया कि सूर्य का नीला प्रकाश जैसे ही इस तरल चीज से गुजरा तो वह तरल चीज अपने नीले रंग में ढलने की बजाय हरे रंग में बदल गई। रमन ने बाद में कई अन्य चीजों पर इस प्रयोग को दोहराया। बार बार प्रकाश का मूल रंग अन्य रंगों में तब्दील हो रहा था। अब रमन को लगने लगा था कि वे कॉम्प्टन जैसा ही कुछ करने जा रहे हैं। अब कृष्णन ने यह प्रयोग कार्बनिक द्रव्यों जैसे पानी पर किया, लेकिन इस बार उन्होंने 7 इंच व्यास के लेंस प्रयोग में लिए। उन्हें भी ये फ्लोरोसेंट जैसा ही कुछ लगा। जब यह बात उन्होंने रमन को बताई तो रमन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि तमाम तरल पदार्थों में फ्लोरोसेंट पैदा होगा। अब रमन ने विचार किया कि इसे एक बड़े से स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए, लेकिन यंत्र लगाते लगाते सूरज छिप गया था। अगले दिन जब उन्होंने इस यंत्र से देखा तो देखे गए प्रकाश में न केवल आपाती रंग की किरण थी बल्कि कम से कम एक और रंग की किरण भी थी। दोनों के बीच एक प्रकाशहीन अंतर था। ये एक तरह का कॉम्प्टन इफेक्ट ही था। जब मूल प्रकाश अवचित्रे हुए प्रकाश के वेवलेंथ में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन साथ ही कॉम्प्टन के इफेक्ट से अलग भी था। इसमें प्रकाश की जो किरण तरल पदार्थों के अणुओं से टकराकर छितर रही थी, न केवल उसका वेवलेंथ बदल रहा था बल्कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच एनर्जी का आदान प्रदान भी हो रहा था। लेकिन ऐसा 1,00,000 किरणों में सिर्फ एक के साथ ही हो रहा था। यानी अगर प्रकाश का फोटोन पानी के अणुओं से टकरा रहा था तो रोशनी अलग अलग रंगों में बंट रही थी। जिसकी प्रकृति लचीली नहीं है और ये 1,00,000 प्रकाश किरणों में से सिर्फ एक के साथ होता है, इसीलिए इसे विज्ञान की भाषा में इनइलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। अगले दिन इस खोज की घोषणा एसोसिएटेड प्रेस द्वारा की गई। जब हिलगर बेबी कार्टून स्पेक्ट्रोस्कोप से इस वर्ण क्रम को देखा गया तो पाया कि आपाती रेखा और नई रेखा के तरंग दैर्घ्य का अंतर अणुओं के कंपन ऊर्जा के परिवर्तन से संबंधित है। बाद में जब कृष्णन स्कूली बच्चों को रमन इफेक्ट समझा रहे थे तो उन्होंने क्रिकेट मैच का उदाहरण दिया। आमतौर पर जब कोई बैटिंग करता है तो उसका बल्ला आगे पीछे होता है। अगर गेंद लगते वक्त बल्ला पीछे की तरफ है तो गेंद की गति उतनी नहीं होगी जितनी बल्ले के आगे होने से। ठीक इसी तरह प्रकाश फोटोन अगर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ऐसे ही या तो ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। अगर एक टकराव के समय फोटोन और इलेक्ट्रॉन अगर आमने सामने एक साथ होते हैं तो दोनों के टकराव से काफी ऊर्जा बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा फोटोन की तरफ नहीं है तो कम ऊर्जा पैदा होगी। प्रकाश का रंग इसी ऊर्जा के घटने या बढ़ने से पैदा होता है। रमन को इस सवाल का जवाब मिल गया था कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है। 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। रमन ने अपने रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 के दिन की थी। इस दिन को आज भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन रमन ने ऐसा क्या कर दिया जिसने दुनिया के सपनों को नया आयाम दे दिया? चलिए ये जानने के लिए हम एयरपोर्ट चलते हैं। यहां काफी तगड़ी सुरक्षा है, सारे लोगों की चेकिंग चल रही है। अरे ये क्या, पुलिस एक आदमी के बैग की तलाशी ले रही है और इसमें तो ड्रग्स निकला। लेकिन पुलिस को कैसे पता चला कि बैग में ड्रग्स हैं? दरअसल ये रमन स्कैनर की वजह से ही हुआ। एकदम हल्का दिखने वाला ये स्कैनर आतंकवादियों के लिए जबरदस्त चुनौती है। रमन स्कैनर काम कैसे करता है? दरअसल जब स्कैनर से निकली हुई किरण किसी चीज पर पड़ती है तो उसका बहुत छोटा हिस्सा उस चीज के अणुओं से घुल मिल जाता है, और जब प्रकाश छितर कर बाहर निकलता है उसके अणुओं के आधार पर पता चलता है कि उसमें क्या है।
ये सारा काम मुश्किल से 20 सेकंड में हो जाता है। पहले इसी काम को हफ्ते, दिन और घंटे लग जाते थे। रमन इफेक्ट्स का इस्तेमाल तो अब फोरेंसिक कामों में होने लगा है, जिसके सहारे कुछ ही देर में पता चल जाता है कि कौन सी घटना कब और कैसे हुई थी। जब खास तरंग दैर्घ्य वाली लेजर बीम किसी चीज पर पड़ती है तो ज्यादातर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एक ही होता है, लेकिन हजार में से एक ही वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को स्कैनर ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करता है। स्कैनर में विभिन्न वस्तुओं के ग्राफ का एक डेटाबेस होता है। हर वस्तु का अपना ग्राफ होता है। हम उसे उन वस्तुओं का फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। जब स्कैनर किसी वस्तु से लगाया जाता है तो उसका भी ग्राफ बन जाता है, और अब स्कैनर अपने डेटाबेस से उस ग्राफ की तुलना करता है और ये पता लगा लेता है कि ये वस्तु कौन सी है। हर अणु की अपनी खासियत होती है, इसी वजह से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी खनिज पदार्थ, कार्बनिक चीजों जैसे प्रोटीन, डीएनए और अमीनो एसिड का पता लगा सकता है। जब सीवी रमन ने यह खोज की थी तो उस समय काफी बड़े और पुराने किस्म के यंत्र होते थे। खुद रमन ने भी रमन इफेक्ट की खोज इन्हीं यंत्रों से की थी, लेकिन आज रमन इफेक्ट ने टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता खोल दिया है। आज हर क्षेत्र के वैज्ञानिक रमन इफेक्ट के सहारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जीव विज्ञान में इसके चलते बैक्टीरिया, रासायनिक प्रदूषण और विस्फोटक चीजों का पता तुरंत ही चल जाता है। अब तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे सिलिकॉन पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ग्लास की अपेक्षा सिलिकॉन पर रमन इफेक्ट 10,000 गुना ज्यादा तीव्रता से काम करता है। इससे धन और समय दोनों की काफी बचत हो सकती है। पिछली बार चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की थी, ये भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था।